फ्रेंड्स 5 kg मैंने मंगवाई है चीनी, इस बार 5 मैंने 3 किलो मंगवाए हैं बासमती सैला चावल है, ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे बड़े बड़े प्राइस भी आपको बता देती हूँ, भूल गई बताना। एक पाव लाल मिर्ची 55 रुपए की है, एक पाव मैंने ये लाल मिर्ची मंगवाई है। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड, और आज मैं आप लोगों से, जैसा कि आप लोग टाइटल देखकर समझ गए होंगे, इस मंथ की जो हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग है वो शेयर करूंगी, मतलब अगस्त मंथ के लिए जो ग्रॉसरी आई है ना वो मैं शेयर करूंगी। जल्दी मंगवा लेती हूँ मैं, क्योंकि 25-26 तारीख के आसपास सामान ख़त्म से होना लगता है, तो 25 या 26 के आसपास ग्रॉसरी आ जाती है इस महीने। तो फिर भी कल आई है, जैसे कल 28 तारीख 29 तारीख थी, तो कल ग्रॉसरी आई है, तो पहले उसको टेबल पे सेट कर लेती हूँ और फिर आप सबके साथ शेयर करती हूँ। वैसे ग्रॉसरी जो है हर मंथ की, आप सबको पता है, सेम सी होती है, थोड़े बहुत जो प्राइस हैं वो ऊपर नीचे होते हैं या कुछ सामान एक्स्ट्रा आता है, तो इस वजह से हर मंथ में अपनी ग्रॉसरी आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। और आप लोग कहते भी हैं कि ग्रॉसरी दीदी आप शेयर कर दिया करो, पर मंथ अपनी ग्रॉसरी शेयर कर दिया करो, इससे हम लोगों को भी आइडिया हो जाता है। तो चलिए इसी वजह से फिर मैं ग्रॉसरी शेयर भी कर देती हूँ। तो पहले फटाफट से ग्रॉसरी को टेबल पे सेट कर लेते हैं, फिर आपको वन बाई वन सारा सामान दिखाऊंगी, लिस्ट भी बता दूंगी, क्या प्राइस है हर चीज का वो भी बता दूंगी, ठीक है। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying. So friends, 5 kg मैंने मंगवाई है चीनी, इस बार 5 किलो ही मंगवा ली, क्योंकि 3 किलो मंगवाती हूँ तो फिर बाद में 2 किलो और मंगवानी पड़ती है, तो ये चीनी मैंने 5 किलो एक साथ मंगवा ली है। तो ये मुझे पड़ी है 190 रुपये की 5 किलो चीनी, और चावल भी साथ में ही है तो दिखा देती हूँ आपको। चावल मैंने 3 किलो मंगवाए हैं बासमती सैला चावल है, ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे बड़े बड़े खिले खिले बनते हैं, तो ये 270 रुपये के 3 किलो आए हैं चावल, जो कि 90 रुपये किलो पड़े हैं, अगर 1 किलो लेते हैं तो 90 रुपये के हैं ये चावल। और मैं आपको दालें बता देती हूँ, अरहर दाल मैंने 1/2 किलो मंगवाई है जो कि 60 रुपये की है, चना दाल जो है मैंने मंगवाई है 1/2 किलो 38 रुपये की है, और उड़द दाल है, उड़द दाल मैंने मंगाई 1/2 kg जो कि 60 रुपये की है, और मूंग छिलका दाल जो है वो 45 रुपये की 1/2 किलो। और जो मूंग की धुआं दाल होती है वो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, सबसे ज़्यादा हमारे घर में वही लगती है, तो ये मैंने 1.5 kg मंगवाई है, ये 38 रुपये के हिसाब से, नहीं सॉरी 150 रुपये की 1.5 किलो आई है, 150 रुपये की ये 1.5 किलो है चावल, मैंने आपको बता ही दिए। रिफाइंड ऑयल 450 रुपये के हैं, जो कि मैंने 3 kg मंगवाया है, और एक मैंने मंगवाया है ये मूंगफली का तेल जो कि व्रत वगैरह में चाहिए होता है। एक सेकेंड, इसका प्राइस मैं देख के आपको बताती हूँ, नीचे कहीं होगा इसका प्राइस, ये है 175 रुपये का है मूंगफली का जो तेल है, जरूरी है ये क्योंकि व्रत वगैरह में सोयाबीन का तेल खाते नहीं है इस वजह से। और ये छोटे छोटे पैकेट बता देती हूँ, अजवाइन जीरा वगैरह के जो 100-100 ग्राम के पैकेट मैंने मंगवाए हैं, जीरा 100 ग्राम 25 रुपये का है, राई 15 रुपये की है, और अजवाइन का पैकेट 30 रुपीज का है, और हींग है, हींग जो है छोटी चीशी मंगवाई है 45 रुपये की है। सूजी बता देती हूँ प्राइस, सूजी है 40 रुपये की है 1 kg, और मैदा 1 kg 35 रुपये का है, मैं पैकेट्स आपको बाद में दिखा दूंगी, और दलिया 35 रुपये का, 2 पैकेट दिए इन्होंने, और पोहा जो है 45 का है, 200 ग्राम मूंगफली जो है 30 रुपये की है, और पापड़ 70 रुपये के ही है, पापड़ का तो काफ़ी टाइम से सेम प्राइस ही चल रहा है। काबुली जो चने हैं वो है 60 रुपये की 1/2 किलो ये, और चाय पत्ती टाटा अग्नि की चाय पत्ती है जो कि 1 किलो मंगाई है, 320 रुपये की है ये, और देशी घी जो है 430 का है मिल्क फूड का, इसमें प्राइस में थोड़ा अंतर है, ये 450 का ऐसे कुछ आता था। और विम बार मंगवाई है, बर्तन धोने वाली साबुन छोटी, तो ये छोटी विम बार मंगवाई है, 20 रुपये लगाए हैं इन्होंने, 4
छोटी विम बार के, यानी कि 5 रुपए की है क्या ये। और फेयर एंड लवली है, छोटी फेयर एंड लवली करके एक रखी है मेरे पास, तो 50 रुपए की है। क्लोजअप है, ये 45 रुपए का है, छोटा क्लोजअप मंगवाया है। ये डोसे वाले जो चावल है वो 1 किलो जो है 30 रुपए के है। मूंगफली गोटा है, ये है मूंगफली गोटा, कहाँ चला गया इसका प्राइस नहीं पता मुझे मूंगफली गोटा का, देख के बताते हैं। मैगी मसाला पैकेट मंगवाए थे 5, और मैक्रोनी मंगाई थी 1 पैकेट मैक्रोनी 40 रुपए की। सावक मंगाए थे जो मैंने फास्ट में खोल लिए, कल फास्ट था तो वो 45 रुपए के हैं। मोस्टली मैंने आपको बता दिया है ये जितना भी सामान है ना, वो तो ये टोटल जो सामान आया है ना ये 3218 का, इसमें आटा शामिल नहीं है क्योंकि आटा अभी रखा है, तो आटा जब खत्म होगा तब मंगवाऊंगी। मेरा का प्राइस भी आपको बता देती हूँ, भूल गई बताना। 1 पाव लाल मिर्ची 55 रुपए की है, 1 पाव मैंने ये लाल मिर्ची मंगवाई है। और धनिया जो है 40 रुपए का है 1 पाव, हल्दी पाउडर 45 रुपए का है 1 पाव, नमक का जो पैकेट है इधर, ये रहा नमक का पैकेट है 20 रुपए का है टाटा नमक। तो ये कुछ सामान है, सूजी मैदा वगैरह सब यही है, बता ही दिया है प्राइस आप लोगों को। तो ये जितना भी टोटल सामान आया ना ये 3218 रुपए का सामान आया है। एक दो चीज़ें छूटी हैं तो लमसम वही सेम प्राइस ही होता है उनका। गरम मसाले वगैरह बता देती हूँ आपको, ये मैंने 2 पैकेट मंगवाए हैं। तो गरम मसाला 75 रुपए का है, और जो चाट मसाला है वो 65 रुपए का है। छोटे मंगवाए थे पर उन्होंने फिर बड़े दे दिए, अवेलेबल नहीं होंगे उनके पास छोटे वाले। तो ये थी मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग, और मैंने लिस्ट भी आपको बता दी है, टोटल अमाउंट भी बता दिया कितने का आया है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी ग्रॉसरी शॉपिंग पर मंथ का, मतलब 1 मंथ का जो टोटल सामान होता है वो सारा सामान मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। और इसमें आटा शामिल नहीं है, आटा भी है इस वजह से आटा शामिल नहीं है, तो टोटल अमाउंट भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं एक नए ब्लॉग या वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।